मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता। What the hell is wrong with you? खूनी को बचाने के लिए तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? तो क्या आने वाले टाइम में सुभाष घई पुरानी फिल्मों के साथ वापस आने वाले हैं और क्या नया होने वाला है उनकी इन पुरानी फिल्मों में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज़। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाली एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी खबर सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जहाँ बॉलीवुड में एक तरफ सीक्वल ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो वहीं कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं ऑडियंस को सीक्वल्स के साथ भरने के लिए। वहीं एक तरफ अगर बात की जाए डायरेक्टर सुभाष घई की, जो हमारे भारत के, हमारे बॉलीवुड के एक लेजेंडरी डायरेक्टर रह चुके हैं, वो आने वाले साल में ऑडियंस को पुराने समय में यानी कि 90s में या यूं कहो फ्लैशबैक में ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जहां एक तरफ सुभाष घई खलनायक 2 के साथ आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ विधाता का सीक्वल विधाता 2 के साथ आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही विधाता जो साल 1982 में आई थी। इस फिल्म को उस वक्त पर बहुत प्यार मिला था और इतना ही नहीं, इतनी लोकप्रियता इस फिल्म ने हासिल की थी कि इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी करार कर दिया गया था। इसके अलावा जब फिल्म साल 1982 में रिलीज की गई थी, तो खबरें बड़ी जोर शोर से आई थी कि लोग अपने पूरे पूरे परिवार को लेकर फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने जाते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने तो इस फिल्म को दो दो या तीन तीन बार देखा था, तभी तो ये फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बनी थी। इसके अलावा फिल्म के तीनों किरदार उनको बहुत प्यार मिला था, फिल्म की कहानी को सबने बहुत चाहा था। फिल्म से जुड़े वो तीन बड़े नाम यानी कि संजय दत्त, दिलीप कुमार और पद्मिनी कोल्हापुरी और बड़े हो गए थे। लोगों को इन तीनों की एक्टिंग देखकर इतना मज़ा आया था कि वो लोग तो एक मौका भी नहीं छोड़ते थे इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ करने का। जी हाँ दोस्तों, आज के दशक में भी इस फिल्म का जिक्र होता है, आज के दशक में भी इस फिल्म के फैंस अभी भी जिंदा हैं। अगर आप लोग अपने घर में अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो उनके मुँह से पहला अक्षर निकलेगा, भाई वाह क्या फिल्म थी। तो अब इतना प्यार इस फिल्म को मिलता है और वो आज के दशक में फिल्म वापस लाई जाए, तो हम खुश कैसे ना हों। जी हाँ दोस्तों, विधाता जैसी कल्ट फिल्म को वापस देखने की एक्साइटमेंट हम सभी के मन में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में भी क्या वही तीन पुराने किरदार नजर आएंगे? जहाँ एक तरफ फिल्म खलनायक में हम उन्हीं तीनों किरदारों को वापस देखने वाले हैं, क्या इस फिल्म में भी वही तीन किरदार हमें वापस नजर आएंगे? लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि फिल्म के एक मेन किरदार यानी कि दिलीप कुमार, उनकी तबीयत उनकी बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जा रही है। तो इस वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन पाएंगे। तो क्या सुभाष घई इस फिल्म को दिलीप कुमार के बगैर आगे बढ़ाएंगे? क्या वो इस फिल्म में सिर्फ संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर फिल्म को आगे बढ़ाएंगे, या फिर लाएंगे एक पूरी नई कास्ट? तो दोस्तों, जहां मैंने नई कास्ट की बात की है, तो उससे जुड़ी एक खबर और सामने आई है। खबरों की माने तो फिल्म से जुड़े एक नए स्टार यानी कि टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आया है। टाइगर श्रॉफ को मेकर्स इस फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर कोई खास मोहर नहीं लगी है। तो क्या आने वाले समय में हमें इस फिल्म में सारे नए किरदार नजर आएंगे, या पुराने दो किरदारों के साथ और किरदारों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? और अगर सारे नए किरदार आएंगे, तो फिल्म की कहानी को डायरेक्टर सुभाष घई आगे कैसे बढ़ाएंगे? फिल्म के उस पुराने एसेंस को जिंदा कैसे रख पाएंगे? तो दोस्तों ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब फिल्म को इतना प्यार मिला था, वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी, तो दोस्तों इस फिल्म से भी दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।